दुनिया भर में आईफोन लवर्स की कमी नहीं है। आईफोन खरीदने की चाहत में लोगों ने कई ऐसे कारनामे किए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आईफोन खरीदने के लिए यूजर्स कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। चाहे बेटी को बेचने की बात हो या गर्लफ्रेंड को किराए पर देने की, लोगों ने आईफोन खरीदने के लिए बड़े ही अजब अजब काम किए हैं। आज हम आपको ऐसे ही 7 किस्सों के बारे में बताएंगे जिनमें लोगों ने आईफोन खरीदने के लिए सारी हदें ही पार कर दी। नंबर 7, नाम बदलकर आईफोन 7 रख लिया। दोस्तों, ये किस्सा है यूक्रेन के अलेक्जेंडर टूरिन का, जिसने अपना नाम बदलकर आईफोन सिम रख लिया। यूक्रेन की आम भाषा में सिम का मतलब 7 होता है। अलेक्जेंडर ने ये सब इसलिए किया जिससे उसे मोबाइल स्टोर के ऑफर के तहत आईफोन 7 मिल जाए। दरअसल यूक्रेन के एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ने ऑफर दिया था कि अपना नाम बदलकर आईफोन 7 रखने वाले पहले 5 लोगों को एप्पल का लेटेस्ट फोन इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इस युवक का असली नाम अलेक्जेंडर टूरिन है, जो 20 साल का है। उसका कहना है कि जब उसके बच्चे होंगे तब वो अपना नाम बदल सकता है। नंबर 6, आईफोन के लिए किडनी ही बेच डाली। दोस्तों, लोग मजाक में कई बार कह देते हैं कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी, लेकिन 2011 में एक नौजवान ने ऐसा कर दिया। दरअसल चीन के अनहुई क्षेत्र में रहने वाले वांग शांकुन ने 2011 में आईफोन और आईपैड खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच डाली थी। तब उसकी एज सिर्फ 17 साल की थी। आईफोन खरीदने की सनक में वांग शांकुन नाम के इस लड़के ने गैर कानूनी तरीके से सर्जरी कराकर ब्लैक मार्केट में अपनी किडनी बेच दी थी। सर्जरी के बाद उसे 4500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर करीब 2,27,000 रुपए मिले। उसने ये काम आईफोन 4 और आईपैड 2 खरीदने के लिए किया था। नंबर 5, आईफोन के लालच में बना डाले 20 बॉयफ्रेंड। ये किस्सा भी चीन का है। यहाँ रहने वाली एक लड़की सियोली को आईफोन 7 से इतना प्यार था कि उसने 20 बॉयफ्रेंड बनाए और उन सबसे आईफोन 7 गिफ्ट में लिया, जिसके बाद उसने 20 आईफोन्स को शाओनाओ नाम की वेबसाइट पर बेच दिया और इससे मिले रुपयों से एक घर खरीदा। सियोली को ये आईफोन बेचकर करीब 1,15,000 युआन यानी करीब 11,34,170 रुपए मिले थे। नंबर 4, बन गया विक्की डोनर। दोस्तों, चीन में आईफोन लेने के लिए कई अटपटी चीजें होती रहती हैं। ऐसे में एक स्पर्म बैंक ने साल 2015 में एक अनोखा ऑफर निकाला। इस ऑफर के तहत अपने स्पर्म डोनेट करने वाले व्यक्ति को 6,000 युआन लगभग 62,000 रुपए दिए जा रहे थे। इन पैसों से उस टाइम लॉन्च हुआ आईफोन 6S लिया जा सकता था, जिसकी कीमत 5,288 युआन लगभग 54,200 रुपए थी। स्पर्म डोनेट करने का ये ऑफर शंघाई स्पर्म बैंक द्वारा निकाला गया था। बैंक मैनेजर के मुताबिक उन्हें इस ऑफर का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोग 6,000 युआन के बदले अपने स्पर्म डोनेट कर रहे थे। नंबर 3, झील से बूंद बूंद पानी निकालने की कोशिश। दोस्तों, जर्मनी में एक स्टूडेंट का आईफोन झील में गिर गया। अपने आईफोन को पाने के लिए पहले उसने स्थानीय फिशिंग क्लब से डाइविंग सूट की मांग की, लेकिन उसे इसकी परमिशन नहीं मिली। इसके बाद वो रात में एक पंप और 2 पाइप के साथ आया ताकि झील का सारा पानी निकाल सके, लेकिन उसकी इस कोशिश में बगल की कार पार्किंग एरिया में पानी जमा होने लगा, जिससे परेशान होकर स्टेट मैनेजर ने पुलिस को ही बुला लिया। नंबर 2, अपनी प्रेमिका को ही किराए पर दे दिया। साल 2015 में आईफोन 6 खरीदने के लिए एक अति उत्साहित शख्स ने ऐसी हरकत कर दी जिसे जानकर आप दंग हो जाएंगे। उसने अपनी प्रेमिका को ही किराए पर देने का ऐलान कर दिया। चीन की एक यूनिवर्सिटी में इस शख्स ने एक प्लेकार्ड लगाया जिसमें लिखा था कि उसकी गर्लफ्रेंड घंटे दिन या महीने के हिसाब से किराए पर उपलब्ध है। इस डील के तहत कुछ भी उल्टा सीधा करने की परमिशन नहीं थी। किराए के दौरान लड़की के साथ खाना पीना और सिर्फ पढ़ने की परमिशन थी। नंबर 1, आईफोन के लिए बेच डाली अपनी ही बेटी। चीन में हैरान करने वाली घटना में एक चाइनीज कपल ने अपनी 18 महीने की मासूम बेटी को ही बेच डाला। ये घटना चीन के फुजियान प्रोविंस की है और बेटी को QQ सोशल चैट के जरिए बेचा गया। इस बच्ची को उसके पिता दुआन ने 3530 अमेरिकी डॉलर में बेच दिया। दुआन को इस पैसे से एक आईफोन और एक मोटरसाइकिल खरीदनी थी। बच्ची की माँ जियोमी कई छोटी छोटी नौकरियाँ करती थी, जबकि दुआन अपना ज्यादातर समय इंटरनेट कैफे में गुजारता था। तो दोस्तों, ये थे कुछ अटपटे किस्से जो लोगों ने आईफोन पाने के लिए किए। आपकी इन सब के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।